आप सौरभ जोशी हैं? नहीं हैं। हैं? हम उनकी कॉपी हैं। नहीं कॉपी नहीं है, हम उनकी कॉपी हैं। समझ गया। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मंदिर से, बिकॉज आज से शुरू हो चुके हैं नवरात्रे। तो आज फर्स्ट डे नवरात्रे का और हमारी अखंड ज्योत भी जल चुकी है, जो कि पूरे 9 दिन तक जलती रहेगी। तो पूजा वूजा हो चुकी है, माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाए, सबको सुखी रखे, और यह है हमारी अखंड ज्योत। तो हाँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ में। तो मम्मी जी तो यहाँ पे खाना बना रही है। गाइज सबका व्रत है लेकिन बच्चों का व्रत नहीं है। तो मम्मी तो पूरे 9 दिन तक व्रत है, 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाती मम्मी, 9 दिन तक भाई। फिलहाल तो मम्मी आलू काट रही है। तो मम्मी बना रही है पुलाव। और कुनाली स्कूल से आ गए, स्कूल से आते अपने कार में बैठ गए। वैसे व्रत मैं भी रख सकता हूँ लेकिन मैं रखता नहीं, बिकॉज मुझसे ना गलती रहती है, मैं कुछ ना कुछ मुँह में डाल लेता हूँ, कुछ खा ही लेता हूँ। तो यार व्रत तोड़ने से बढ़िया है इस तरह से। आप क्यों रखते? मैं भी छोटा बच्चा हूँ। ओलू आ जा। और गाइज आज मैंने अपने सारे शूज़ धो दिए यहाँ पे, बिकॉज अभी एक हफ्ते तक कहीं जाने का प्लान है, तो एक हफ्ते में सूख जाएंगे। बारिश तो होने रही, देखो मतलब पूरे बादली बादल हो रहे हैं, लेकिन सूख जाएंगे अच्छे से। कुनाली यहाँ पे अकेले लूडो खेल रहे हैं। अकेले कुनाली, अकेले मज़ा आता है आपको? बारिश आने वाली, शायद सारे कपड़े जूते उठाने पड़ेंगे, भीग जाएंगे नहीं तो। पीयूष भी आ गया स्कूल से। प्याज वाला मत खाना कह रहे हो। प्याज वाला? हाँ। क्या बात कर रही है मम्मी, प्याज वाला मत खाइए। ठीक तो कह रही हो फिर, खाते नहीं हो तुम बाहर सब्जी में प्याज ही डाला होता है बाहर तो। गाइस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं प्याज खाऊं? मेरे को वैसे नॉर्मली प्याज पसंद नहीं है, मेरे को बोलता हूँ कि सब्जी में प्याज डालो, मैं कभी प्याज ना खाऊं घर में, लेकिन मम्मी डाल देती फिर भी। तो इतना बढ़िया मौका है नवरात्रि में, प्याज नहीं खाने को मिल रहा है, तो मैं प्याज क्यों खाऊंगा भाई, मेरे को प्याज पसंद ही नहीं है। गाइस देखो मेरे को प्याज पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये डालते तो मुझे खाना पड़ता है, मैं जिद नहीं करता कि मैं नहीं खाऊंगा ये वो, और कहीं बाहर जाता तो भी खाना ही पड़ता है। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल हम जा रहे हैं घूमने के लिए पहाड़ पे। बहुत दिनों के पहाड़ पे ही नहीं गया, बारिश ही हो रही थी, तो आज धूप निकली है, बारिश रुकी हुई है। और आज जा रहे हैं स्कूटी पे, फर्स्ट टाइम अपनी स्कूटी को मैं पहाड़ पे लेके जाऊंगा, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। निर्मल भाई अभी आ गए हैं, तो चलो अब चलते हैं। ये अपनी बाइक लेके आए हम अपनी स्कूटी पे। बाइक पे जाना, स्कूटी पे जाना? स्कूटी पे। तो अभी गाइस सोसाइटी से तो निकल गए, चलते हैं सीधा पहाड़ पे। तो अभी गाइस हम रुके हैं यहाँ पे, एक झरना है पीछे, लेकिन ना ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी लोग घूमने आते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन ना ऊपर से कभी पानी आ सकता है, अगर ऊपर बारिश हो रही होगी ना तो एकदम से पानी आएगा, सारे बह के चले जाएंगे। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, ये सारे मजे ले रहे हैं ना, ये कभी बह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से पानी कभी भी आ सकता है, बिकॉज पता नहीं होता ना। इधर तो चलो बारिश नहीं है, लेकिन ऊपर बारिश होती है, तो इस तरह की गलती कभी मत करना, इस तरह के झरने में कभी मत जाना, बिकॉज बह के सीधा यहाँ से सीधा नीचे पता नहीं कहाँ निकलोगे तुम, मिलोगे भी नहीं। ये मतलब देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है कि यहाँ पे पानी आ रहा है, मस्त फोटो खिंचवाओ, यहाँ पे जाओ पानी को हाथ लगाओ, लेकिन अगर ऊपर से पानी आ गया एकदम से सारे बह जाएंगे। भैया कहाँ से आए हो आप? सिद्धार्थ नगर। यहाँ पे आना डेंजरस है यहाँ पे, ये देखो भाई कैसे बैठे पत्थर पे। चलो हम तो चलते भाई ऊपर, मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया। तो अभी गए थे स्कूटी लेके काफी ऊपर आ गए हैं, और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मैंने जैकेट डाल के फिर भी इतनी ज्यादा ठंड लग रही है भाई। और सामने का व्यू देखो कितना मस्त हो रखा है। गाइज ये देखो कितना मस्त लग रहा है सामने, पूरा फॉग ही फॉग ऊपर तक। तो अभी यहाँ से और ऊपर जाने की सोच रहे हैं, और धूप आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। स्कूटी रोकते इतना अच्छा लग रहा है ना, गरम गरम स्कूटी जैसे चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है भाई। ओ भाई सामने देखो भाई, राइट में कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग ही फॉग दिख रहा है, और इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ पे स्कूटी चलाने में भाई, पैसे पूरे हो गए, मतलब नई नई स्कूटी चला रहे हैं पहाड़ पे फर्स्ट टाइम। और भाई इधर देखो, राइट में देखो भाई, कितना मस्त लग रहा है भाई, फॉग में घुस गए हम भी, ये। तो भी गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, लेफ्ट में नैनीताल झील है। तो गाइस ऐसे ही घूमते फिरते हम नैनीताल पहुंच गए स्कूटी लेके अपनी। गाइस सामने मैच चल रहा था, कितनी भीड़ है वहाँ पे, चलो मैच देख के आते हैं। फुटबॉल ही चल रहा है, कितने सारे लोग देख रहे हैं। देखो गाइस अगर आप भी नैनीताल आओ ना, तो अपनी जैकेट लेके आना फुल। आज देखो बहुत बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। क्या हुआ सौरभ जोशी? नहीं हूँ मैं, अरे हूँ। फोटो? हम तो सामान लेने आए हैं, फोटो लेने हम यहाँ जैकेट लेने आए, ये कह रहे फोटो दे दो। यहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं, महंगे कपड़े मिलते हैं, सही मिलता है आपके लिए सस्ते। तो गाइस ये वाली जैकेट ले लिया मैंने, ब्लैक कलर की। आपके ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप भी देखते हो भाई, नैनीताल में तो कपड़े मस्त मस्त मिल रहे हैं। इस साइड से तो मैं पहली बार ही ले रहा हूँ कुछ। ये देखो ये यहाँ की मार्केट कुछ इस तरह की मार्केट है, और सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सब कुछ। गाइस अब लग रही है भूख, तो गर्मा गर्म मैगी और चाय पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अब चाय पीते हैं यहाँ पे।
तो फाइनली हमारी मैगी आ चुकी है, बिल्कुल प्लेन मैगी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हमने लिया गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न, तो चलो अब ये खाते खाते चलते हैं सीधा हल्द्वानी। भाई अंधेरा होने वाला है। हाय, आपकी फैन है। हाय, थैंक यू। सौरभ जोशी? नहीं, आप सौरभ जोशी हैं? नहीं हैं। है? हम उनकी कॉपी हैं। नहीं, कॉपी नहीं है, हम उनकी कॉपी हैं। समझ गया। समझ गए? ठीक है फिर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। भाई अब जो फटेगी ना रास्ते में ठंड में स्कूटी चलाने में, अब मैं दो जैकेट डाल के जाऊंगा, एक जैकेट अंदर से डाल रखी, एक जैकेट ही है, दो जैकेट होगी मेरे पास, अब थोड़ी कम ठंड लगेगी। अरे ये जाओ लाइन में लगो, फोटो नहीं खिंचानी, भाई भीड़ लग गई। चलो ठीक है, चलो 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 भाई, मेरा भुट्टा ठंडा हो गया यार। भाई मैंने भुट्टा ही नहीं खाया भाई। गाइस यहाँ तो खतरनाक वाला मीटअप लग गया था। एक फोटो सर। हाँ भाई 360 बनाते हैं। चलो चलो भागो भागो भाई, निकलते हैं। तो फाइनली गाइस नैनीताल से तो निकल चुके हैं, और मेरे पीछे देखो पूरा नैनीताल दिख रहा है, पूरी झील दिख रही है, कितना प्यारा लग रहा है देखो मेरे पीछे। भाई भाई नैनीताल में तो खतरनाक वाली भीड़ लग गई थी, फिर मेरे को जल्दी जल्दी आना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो दुकानों को दिक्कत हो रही थी, जल्दी जल्दी से मैं आ गया, फिर जल्दी जल्दी मैं आ गया। लेकिन पीछे देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी कसी नहीं है कि अभी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है ड्रोन, और सामने का व्यू देखो भाई इतना मस्त लग रहा है यहाँ पर लेक में। तो फाइनली गाइस ड्रोन भी उड़ा लिया, आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आएंगे। अब चलते हैं सीधा घर, भाई अंधेरा हो चुका है पूरा, अब अंधेरे में राइड करनी है स्कूटी, इतनी ठंड में वो भी। चलो भाई चलो। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, मतलब इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी ना भाई, मैंने तो कुछ शूट भी नहीं किया, बस जल्दी जल्दी हम आ गए भाई, रात के 8 बज चुके हैं। तो चलो अब चलते भाई, बहुत ज्यादा थक गया आज, आज टोटल 100 किलोमीटर चला ली स्कूटी, 100 किलोमीटर भाई। मम्मी जी क्या बनाए? तो आज खाने में आलू रायता एंड रोटी। तो गाइस अब मैं ओरियो को खाने खिलाऊंगा, चलो दो। तो गाइस डिनर हो चुका है, फिलहाल अब दूध आ गया, दूध पीते हैं। गाइस अब मेरे हो रहा है सिर में दर्द बहुत ज्यादा तेज, बिकॉज ठंडी हवा लग गई पहाड़ की, नैनीताल तक पहुंच गए। वैसे प्लान नहीं था नैनीताल जाने का, बस ऐसे ऊपर जाते रहे ऊपर जाते जाते जैसे हम नैनीताल ही पहुंच गए, फिर थोड़ी देर वहां रुके, वहां सब्सक्राइबर मिल गए बहुत सारे, फिर आते हुए तो मैं और स्पीड में आया, मतलब जल्दी जल्दी आया हम, तो हवा हेलमेट से अंदर घुस गई। तो भी गाइस रात के बज गए 2, थोड़ी देर में सो गया था बिकॉज सिर में दर्द थी ना, अब ठीक है सिर में दर्द अब बिल्कुल हल्का हल्का, बिकॉज थोड़ी देर सो गया ना मैं मस्त अपना। तो अब स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। तो गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं, फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब फिलहाल मेरे को लग रही है भूख, तो अब कुछ बनाता हूँ मैं। तो आज मैं खाऊंगा 2 चीज़ें, पोहा और ओट्स, थोड़े थोड़े हैं तो खा लूँगा, और मैं डेली खाता हूँ एडिटिंग करने के बाद ना, रात को 2 या 3 बजे जब भी तब तक भी हो मैं डेली खाता हूँ। इसमें तो बस गर्म पानी डालना हूँ। गाइस यही रीज़न है कि मैं व्रत नहीं रखता, क्योंकि रात को मैं डेली खाता हूँ, इतनी भूख लग, रात को इतनी तगड़ी वाली भूख लगती है ना कि मैं कुछ ना कुछ खाता ही हूँ। तो अपना पोहा और ओट्स रेडी है, मैंने बाउल में डाल लिए, देखो मस्त लग रहे हैं ना, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने बाउल में डाले, तो मैं फ्राई पैन में ही उसी में बनाता हूँ, उसी में खाता हूँ सीधा चार चम्मच से, ये तो थोड़े अच्छे लगते हैं ना ऐसे। तो हाँ चलो फिलहाल मैं खाता हूँ, इस व्लॉग करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। सुबह के 4 बजे मैं एंड कर रहा हूँ व्लॉग को, वो भी खाना खाते हुए भाई, अपने यूट्यूबर्स की लाइफ ऐसी, जो यूट्यूबर है ना वो रिलेट कर सकते हैं इस लाइफ को। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं एकदम से सॉक्स लेके आया, मैंने डाला, मैं देखो ये देखो भाई पूरा पैर बाहर निकल गया इसमें, तो भाई पोपट हो गया, दूसरा डालो।